देखिएगा सेल्फ में है, ये डॉगी चल रही है इसमें कॉटन के अंदर। आप देखेंगे कि चीज के जो फोल्ड होते हैं ना, फोल्ड देखेंगे बारीकी से देखे जाते हैं तो उसमें भी पूरा एक अच्छा मार्जिन दे रखा है। जैसे देखिए सब ये आपके लखनवी स्टाइल जो एम्ब्रॉयडरी वर्क से बेसिकली मार्केट में आ जाता है। एम्ब्रॉयडरी की शॉर्ट में ये आपको मैंने ये शॉर्ट पे कुर्ती दिखाई है, जो वन पीस जो अभी इंट्रोड्यूस किए हैं ये उसके डिजाइन आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास और भी हैं, रेयॉन पे शिपली होती है, कहीं पे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ शिपलिंग होती है, कोई हैवी है, कोई लाइट है, कोई बॉर्डर है, कोई इरेजल आपको दिखता है इस पे काम है। देखिए साहिल जी आपको ये देखिएगा नहीं कि ये, बट इसका फैब्रिक आप देखिए तो इस तरह का ये कुछ है। ये देखिएगा ये शरारा गरारा सेट है, ये चीजें क्योंकि टाइम कम होता है और वीडियो में कुछ ना कुछ नई इनोवेशन चलती रहती है। कुछ कट स्लीव्स के देखिएगा, इस तरह के कुछ कट स्लीव्स के पैटर्न्स होते हैं। जी फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अवेल पर। आज मैं रुई के ऊपर, और देखेंगे तो ये बेनिफिट और ये चीजें भरपूर मिलने वाली है, और बैक टू बैक हम एक अच्छा ऑफर लेके आ रहे हैं। जैसे कि देखेंगे सबसे ज्यादा जो आज की डेट में प्रॉब्लम है ना लोगों को, वो है कुछ नया स्टार्ट करने की, क्योंकि आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करके कुछ नया स्टार्ट करना इजी टास्क नहीं है। और उस चीज़ के अंदर इतने अच्छे प्रोडक्ट देखेंगे, गारंटी वाले सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं। वैरायटी देखते हैं तो वैरायटी वास्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। चूज एंड पिक से आप बहुत सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ देखेंगे जो आपको एश्योरिटी यहाँ मिल जाती है ईजिली, आप सारी चीज़ें बेचने के बाद अगर कुछ भी चीज़ आपकी रुकती है तो उसे चेंज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े ऑफर्स हैं जो मैं कहता हूँ कि सर रिवील करें तो मज़ा आएगा उसके अंदर। तो सर कैसा रिस्पांस रहा, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली वीडियो शूट करी थी आपकी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर थे जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे बट वो हमेशा डरते थे, तो आपके सपोर्ट से जो आपके जो बेनिफिट आप दे रहे हैं बहुत बहुत कुछ लोगों को देखेंगे बहुत मदद मिली है। सर रिस्पॉन्स तो बहुत बहुत अच्छा रहा जी, और जो उन्होंने शेयरिंग करी ये आया कि वो बिजनेस 2-3 साल से करना चाहते थे। ज़्यादातर लोग इसी वजह से डर रहे थे कि अगर हम लॉस में आ गए तो हस्बैंड को क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस में क्या कहेंगे। लॉस से कम डर रहे थे, लोगों की बातों से ज्यादा डर रहे थे वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिया, मैं तो कह रहा हूँ 1.25 लाख की स्कीम दी थी, लोगों ने 2.5-3-4 लाख का भी लेके जा रहे हैं। ठीक है। और सब लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, और जो भी लेके जा रहे हैं मेरा उनसे हमेशा यही गुजारिश है, जो आइटम आपका नहीं चल रहा वो जल्दी से जल्दी चेंज करा के जो चल रहा है उस आइटम से चेंज करो। और साथ में जो मैंने बात करी है अपने कोर्स की, कि भाई वो कोर्स में कुछ शीट्स हैं उन्हें भरो, उससे आपको अपने बिजनेस की वायबिलिटी पता रहेगी। अगर आपने 1 लाख का टारगेट किया कमाने का तो वो 1 लाख रुपए आप FDR में, गोल्ड में, किसी फॉर्म में अलग रखो बिजनेस से। बिल्कुल। उसमें बार बार मत डालो। जी जी। अगर 2 लाख की सेल है तो 3 लाख से ज्यादा की इन्वेंट्री आपकी महीने में होनी नहीं चाहिए, पूरी दुकान में 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों का उस कोर्स में बताया गया है, और बार बार मैं उसी बात पर कह रहा हूँ कि अगर आदमी को कमाना है तो इन्वेंट्री पे कंट्रोल रखें, और हम इसी चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं अपने कोर्स में। देखेंगे लाइफ में एक मेंटोर होने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें कोई राह दिखाने वाला होना चाहिए जिससे कि नेविगेटर जिसे कहते हैं। देखेंगे अगर रेस्टेक की बात करूं मैं तो भले ही ड्राइव कोई और कर रहा होता है बट नेविगेटर उसे बताता है कि आगे क्या मोड आने वाला है, क्या सिचुएशन आने वाली है, वो उन चीज़ों को पहले से जानता है, क्योंकि सीजन के अंदर चेंजेस आते हैं। हम देखेंगे फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें। सर जो नए लोग हैं वो तो ठीक है ही जी जी, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो मैं देखता हूँ एक कहानी हमने सुनते हैं हाथी की जी, कि जो सब वॉर में जीत रहा था थोड़ी सी एज होने के बाद वो किचन में फंस गया, और वो किचन से निकल नहीं पा रहा, तो जो उसका मावा था उसने आया और ढोल बजाए वॉर वाले, वो निकल के बाहर आ गया। तो इनको भी थोड़ा सा, जो पुराने आदमी है पहले बिजनेस सही कर रहे थे लेकिन थोड़ा सा रास्ता भटक गए, तो उन्हें भी थोड़ी सी ढोल सुनने की जरूरत पड़ रही है। तो वही ढोल हम बजाते हैं, यहाँ पर आओ तो वो ढोल सुनो और हम उनको बाहर निकालेंगे। ठीक। तो देखेंगे थोड़ा सा रिवील करेंगे जो बेनिफिट आप देने वाले हैं, थोड़ा कस्टमर को पता चले कि क्या एक्चुअल वो बेनिफिट है। बेनिफिट ये है सर, 1.25 लाख रुपए का माल लेंगे वो हमसे जी, हम उनको ऑनलाइन 15 दिन में, पहले तो हम कुछ डॉक्यूमेंट्स देंगे, और डॉक्यूमेंट्स इतने आसान है कि वो 5th पास भी लोग उसको भर लेंगे और समझ लेंगे, ऐसा नहीं बहुत मुश्किल है। थोड़ी वीडियोज भी शेयर करेंगे कैसे काम करो, जिसे वो फ्री टाइम पे वो देखते रहे जी जी, वो सब देखने के बाद जो उनको दिक्कत आ रही है वो 15 दिन में अपने पूरे क्वेश्चन लिख लें कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है जी, ये सॉल्व करो। उसके अलावा हमारे पास 8-10 लोग और हैं जो सक्सेसफुल हैं जी, हम उनके साथ उनका ग्रुप बना देंगे, वो भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जी, तो जी। कहने का मतलब है पूरा पूरा पैकेज है। ठीक। ये कहूँगा कि जैसे कोई भी आदमी 5 साल काम करता है जी, जो उसका एक्सपीरियंस उसको मिलता है वो हमारे साथ काम करेगा तो 1 महीने में वो 5 साल का एक्सपीरियंस मैं उसके साथ जोड़ दूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल जो मतलब कहते हैं धक्के खाने पड़ते हैं, गिरना पड़ता है, वो सारा कुछ भी नहीं गिरना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस भी साथ में मिल जाएगा,
कोर्स के साथ। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो गारंटी वाले होते हैं, कोई प्रोडक्ट इस तरीके का नहीं होता कि आप किसी भी सीजन में, मैं कहता हूँ कि 2 साल रख दो आप उसे, उसके बाद आप उसे निकालोगे तब भी वो मार्केट के अंदर ट्रेंडी रहेगा। इस तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, ब्रांडेड स्टाइल के अंदर, ब्रांडेड फैशन के अंदर होते हैं, रुकने वाली आइटम तो वैसे भी नहीं है। मेरा ये कहना है सर, 2 साल ना रखे, वो 4-5 दिन 10-15 दिन में ही देख ले कि ये चीज नहीं निकल रही और ये निकल रही है, तो मैं इसको चेंज करा लूं जल्दी से जल्दी। ये सपोर्ट दे रहे हैं कि डेड स्टॉक बिल्कुल भी मत रखो। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर 5 लोगों ने पसंद नहीं किया तो 6ठा लोग भी उसको पसंद नहीं करेगा। जी जी जी। उसको जल्दी से जल्दी चेंज करो, जो चीज बिक रही है उसको बेचो, और आपकी शॉप हमेशा नई लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कस्टमर आए जो चीज उसको पसंद नहीं है तो उसकी आंखों में लग जाती है, वो कहता है यार ये तो इन्होंने डेड स्टॉक रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डेड स्टॉक बिल्कुल भी ना रखें, बार बार हमारे पास आए, उसको चेंज करें, और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो भी अपना वो अपने पास उसको ऐड करें। जी, तो देखेंगे काफी अच्छा बेनिफिट है कि आप चीजें लेके, कस्टमर का रिव्यू लेके, उसको फाइनलाइज, एक फाइनल प्रोडक्ट अपने पास वो रख सकते हैं जो आपका बिकेगा ही बिकेगा। मैं एक अपने 1.25 लाख वाली स्कीम फिर से समराइज कर देता हूँ। जी, 1.25 लाख का वो ले हमसे, अपनी पसंद की कुर्ती ले। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या पसंद 100% आपकी पसंद की कुर्तियाँ होंगी, ठीक है, और वो उनको बेचे, अगर वो नहीं बेच पाते तो चेंज कर लें, और उनको लग रहा है कि हमें आज ये कुर्ती का बिजनेस नहीं चल रहा, तो वो हमें माल दे दें, हम उनका सारा पैसा वापस दे देंगे। अच्छा, यानी कि चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आइटम उनको पसंद नहीं आ रही है या फिर जो भी उनका बिक रहा है उस तरीके की चीजों से चेंज कर सकते हैं। हाँ जी। और जो भी माल अगर उन्होंने लिया आपके 1.25 लाख का, जो भी बचता है वो भी आपसे रिटर्न करके से रिटर्न कर दें, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि कुर्ती का काम जैसे हमने सोचा था उतना आसान नहीं है और नहीं चल पा रहा। हाँ हाँ। वैसे तो हम जो कोर्स देंगे उन्हें आसान लगेगा, गाइडेंस तो पूरी मिलने वाली है, गाइडेंस पूरी मिलेगी, सब कुछ है। 100 में से 1% अगर ये चांस भी है जी, जी। तो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मनी बैक करके। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि पूरा देखेंगे 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन एक छोटा सा है कि 1.25 लाख की स्कीम में ऐसा नहीं है कि 50,000, 60,000, 70,000 का भी माल देते हैं, लेकिन उसमें ये फैसिलिटी जो मनी बैक की है वो 1.25 लाख वाले में। हाँ, तो देखेंगे, जैसे कि आपने पहले भी एक अच्छा आइडिया दिया था कि लोग एक साथ कम्युनिटी में परचेज कर सकते हैं, 3-4 अलग अलग लेडीज जुड़ के परचेज कर सकती हैं, क्योंकि मैंने ये देखा जो 1.25 लाख का जो हमसे लेके गया है वो फेल नहीं हो रहा। जी जी जी। ये 1.25 लाख की स्कीम का भी ये है कि जैसे मैंने 2.5 साल की अपने इसमें देखा, जो 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का माल लेके गया वो नहीं फेल होते, जो 30-35-40 हजार रुपए का माल लेके जाते हैं वो रोटेशन नहीं आ पाती ना कस्टमर को ना, क्योंकि एक आदत होती है और कहने की। हाँ हाँ। आपने उन्हें 4 सैंपल दिखाए वो कहेंगे और दिखाओ, अगर वो और आपने भरपूर नहीं दिखाया पाए तो फिर वो कहीं ना कहीं वो कैंसिल हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ 60% माल शोरूम में रखो, 40% एक मिनी स्टोर बना उसमें रखो, बिल्कुल 10% बिक जाए तो 10% निकाल के रखो। बिल्कुल। लेकिन 30-35 हजार रुपए में इतनी छोटी क्वांटिटी हो जाती है कि वो ये सब चीज कर नहीं पाते, तो उनका बिजनेस वायबल नहीं बैठता। 1.25 लाख वाले हमेशा सक्सेसफुल है, छोटी क्वांटिटी वाले इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो इसलिए मेरा है कि 1.25 लाख का लोग वो भी सक्सेस रहेंगे, हम भी सक्सेस रहेंगे। और सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि कोई भी प्रोडक्ट को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, हर तरीके की, यानी कि पूरी एश्योरेंस है। और सबसे अच्छी बात है कि जो प्रोडक्ट होने वाला है उसमें मार्जिन पूरा मिलने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पूरी अपनी है, धागे से लेके देखेंगे स्टिचिंग मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें यही होती है। ये भी है हमारा कि अगर हमारे प्रोडक्ट को देख के जी जी उन्हें लग रहा है 2 से 2.5 गुना हम नहीं बेच पाएंगे तो प्रोडक्ट बदलो। हमारी कंडीशन भी पहले यही है कि जो लोग इनको अच्छे रेटों में नहीं बेच पाते वो प्रोडक्ट ना लेके जाए। ठीक, देखेंगे ये चीज अच्छी है कि एक अच्छे मार्जिन की तरफ आप लेके जा रहे हैं कि मार्जिन, क्योंकि थिन मार्जिन मतलब लॉस, कम मार्जिन का मतलब है साल 2 साल में काम बंद होने के चांसेस हैं, और अगर उनको कमी रेट में बेचना है तो फिर वो ढूंढे कहाँ कम रेट में सस्ती चीज मिल रही है उनको ढूंढे, लेकिन कम से कम 2 से 2.5 गुना वो मार्जिन रखे ही रखे। जी, जो भी प्रोडक्ट उन्हें मिले वो ले लें, लेकिन हमारे वाले प्रोडक्ट में ये आसानी से मार्जिन मिल रहा है, तो इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मार्जिन अच्छा रखें, बिना मार्जिन के काम ना करें। तो यानी कि सर ने सपोर्ट तो पूरा दे रखा है कि अब वो हर चीज़ को लेने के लिए वापसी और चेंज करने के लिए आएंगे, बाकी कस्टमर से तो देखेंगे आप हमेशा से जुड़ते ही आए हैं और बेनिफिट और कस्टमर की सारी क्वायरी सॉल्व करते हैं, तो आप बताएंगे कुछ अपनी जुबान में। पहली बात तो हमने आज वीडियो तुरंत ही शुरू कर दी, ना तो आपको हम थैंक्स कर पाए और ना ही व्यूअर्स के लिए, तो थैंक्स टू ऑल योर व्यूअर्स एंड टू यू, उन सबको बहुत नमस्ते और थैंक्स टू यू। हमारा जो ये बिजनेस है बहुत 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 सक्सेसफुल चल रहा है, ये तो हम पहले ही कहते थे। अब जो करंटली जो सर ने जो स्कीम बताई है, सर ने जो हैंड होल्डिंग की है, जो सर ने सपोर्ट सिस्टम दिया है, वो भी बहुत सक्सेसफुली जा रहा है। मैंने लास्ट में तो इंट्रोडक्शन दी थी ही सर ने, तो इसमें भी मैं फटाफट समराइज़ कर देती हूँ कि एक तो सर ने 1.25 लाख का
जो भी लेता है हमसे एट इन वन गो और वो किसी भी कारण से दे आर नॉट एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, हम पूरा सामान अपना वापस ले लेंगे, कैश आपको रिफंड कर देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. सेकेंड सपोर्ट ये है कि आपको अगर लगता है कि भाई मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, यू रियली वॉन्टेड टू विल, यू हैव अ विल टू लर्न हाउ टू डू द बिजनेस वेयर वी आर स्ट्रगलिंग, तो सर ने एक कोर्स बनाया है जिसमें कि आपको बताएंगे कि कुछ कॉलम भरने को देते हैं जिसके कारण कि आपको एक पिक्चर बन के आती है कि हम इस कारण से हम नहीं बढ़ पा रहे, चाहे हमने चाहे वो मार्जिन कम रखा है या हमने इन्वेंट्री कम रखी है या इन्वेंट्री हमने ज़्यादा रखी है या रिपीट कस्टमर नहीं है, तो कोई भी एक कारण होगा जो कि निकल के आता है, तो उस तरह से भी हैंड होल्डिंग होती है. और एक और भी नया सर ने बताया है कि कोई भी अगर आपका नहीं बिक रहा, रोटेशन में नहीं आ रहा कोई भी हमारा रुई का पीस, तो वो भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं. और हैंड होल्डिंग भी है, बिजनेस की स्किल्स भी हैं. और एक बात और है कि जो ये सर जो कोर्स कराते हैं, इट्स नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर द कुर्ती बिजनेस, इट्स एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस. बेसिकली प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर है कि क्या प्रोडक्ट मार्केट में आता है. लोगों को गलतफहमी ये भी हो रही है कि ये कोर्स के कोई चार्जेस हैं. जी जी, ये टोटल कॉम्प्लीमेंट्री है 1.25 लाख की वाली स्कीम के साथ. ठीक है, इसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे, क्योंकि कई बार मेरे पास फोन आते हैं, वो पूछते हैं कि आपने कुछ चार्जेस बताए हैं. मैं उन्हें एक आइडिया दे रहा था कि कोर्स 40,000 रुपये का है, लेकिन उसके चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 1.25 लाख की स्कीम के साथ. ठीक. और एक और चीज़ मैं पूछूंगा, अगर कोई जैसे बीच में क्विट करने की सोचता है और वो रिटर्न करने की सोचता है, तो फिर भी चार्जेस तो नहीं लगेंगे ना कोर्स के? चार्ज बिल्कुल नहीं लगेंगे, और वो कहेगा कि मुझे एक साल तक पढ़ाओ तो मैं वो ही करूँगा. क्योंकि एजुकेशन देते देते एजुकेशन खुद को भी बहुत आती है. और दूसरी बात है कि मान लो वो मोबाइल की इंडस्ट्री में चला गया जी, तो मैं उसकी भी एजुकेशन दे दूंगा उसको कि वो कैसे बेचना है. आप जानते ही हैं कि रुई का पेरेंटल फर्म RNP फैब सोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जहाँ पे कि लूम से लेके, मतलब लूम से और प्रिंटिंग होती है, डाइंग हाउस है, प्रोसेसिंग हाउस है, तो ये सारा जो है ये हमारा इन हाउस है. तो और जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, इट्स ऑल इन हाउस. तो ये क्वालिटी और जो ये प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है, ये रुई लेके आता है. आगे मैं आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ. जी मैम, तो शुरू करते हैं और देखते हैं कलेक्शन, और जो कस्टमर को साथ में समझ में आएगा कि क्या क्वालिटी, क्या प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं. हाँ साहिल जी, मैं बताऊँगी प्रोडक्ट का, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपके हमेशा नए भी जुड़ते हैं. बेसिकली हम लोग 3 लेंथ की कुर्ती बनाते हैं, शॉर्ट कुर्तीज़ और लॉन्ग कुर्तीज़, जिसकी कि 41 होती है और एक 45 जो कि बिनोली होती है, एक नी तक होती है और एक बिलोनी. तो दीज आर द 3 लेंथ. पहले तो शॉर्ट कुर्तीज़ में हम लोग 31 इंचज़ लेंथ की कुर्ती बनाते थे, लेकिन अब विद हमने बहुत सारे स्टाइल ऐड कर दिए हैं शॉर्ट कुर्तीज़ में, जिसके कारण कि उनकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो उनकी जो लेंथ है वो वेरी करती है. ये देखिएगा, अब हम शॉर्ट कुर्ती की बात, तो फैब्रिक की हम बात करते हैं, तो इस प्योर फैब्रिक होता है, प्योर कॉटन, प्योर रॉन, या फिर कुछ उनका जैसे लिनन हो गया, या फिर शैपरे है, या जो भी इफ़ेक्ट्स हैं, ये जो डॉबी है, या फिर ये शेर शक्कर है, या खुद का जो सेल्फ में होता है, तो इस तरह का होता है, या फिर कॉटन एंड रेयन का ही ब्लेंड होता है, या स्लब होता है. तो दिस इज ऑल प्योर फैब्रिक. जैसे ये पीस है, इसी शॉर्टकट कुर्ती है हमारी, ये डाई प्रोडक्शन है. इस तरह की इसको स्लीव्स हमने न्यू ऐड की हैं, और इस तरह की इसकी लेंथ है, ये स्टाइल है. इसमें मैं आपको एक क्विकली दिखा रही हूँ, जैसे ये कॉटन, ये वाला पीस है ये रेयन में है, ये वाला पीस कॉटन में है, ये देखा है तो ये डॉबी में है, ये प्रिंट्स में है. तो काफ़ी ज़्यादा इसमें और भी स्टॉक है. मैंने आपको एक स्टाइल बता दिया कि इस तरह की स्लीव्स के संग कुछ पैटर्न्स हैं, जो और भी स्टाइल हैं इस पर, और भी मतलब हैं. मैंने आपको एक सिर्फ स्टाइल की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. जो नेक्स्ट स्टाइल है शॉर्ट कुर्तीज़ में, इस तरह का फोल्डेड स्लीव्स के साथ है. ये पर्टिकुलर पीस हम बात करें तो देखिएगा, इसमें सेल्फ में चल रहा है, और ये चेक्स में है, और वी नेक के साथ है, और पीछे से चाइनीज कॉलर के साथ है, और ये पर्टिकुलर इस कॉटन में है, और इस पे सेल्फ में भी है और चेक्स में भी है. तो अलग अलग फैब्रिक के संग, अलग अलग डिजाइन के संग, ये ओवरलैपिंग के स्टाइल्स हैं. ठीक है, जैसे ये वाला हो गया, ये देखिएगा, ये देखिए, अगर ये वाला हम पीस की बात करें तो ये स्लब के अंदर है. ठीक. तो इस तरह से ओवरलैप के डिजाइन हो गए. अब मैं आपको नेक्स्ट पैटर्न एक इंट्रोड्यूस करती हूँ, जैसे कि ये है 3/4 जिसकी स्लीव होती है, 31 इंचज की लेंथ होती है. तो ये बेसिक कुर्तीज जो हमारी होती है शॉर्ट कुर्तीज में, इस तरह की होती है. अलग अलग फैब्रिक, हर क्वालिटी, हर फैब्रिक का अलग होगा. और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया डिजाइन का, स्टाइलिंग का. जी, मैं चीज पूछूंगा प्रिंटिंग के बारे में, प्रिंटिंग के बारे में बताएं आप. प्रिंटिंग का जो रुई का है, इज ऑल अबाउट द क्वालिटी. जो इसका जो कट फिट है, वो हम लोगों ने इस, ये हमारा जो आइडिया है वो इस तरह का कि आप कहीं पे भी, घर पे है या ऑफिस में है या
डॉक्टर्स, टीचर्स या घर या एनी सर्विस जॉब जहाँ पे भी जाते हैं आप इसको कंफर्टेबल उसको कैरी कर सकते हैं। तो हमने बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग उस तरह से नहीं की हुई है। इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ओनली। आप धोएं, देयर विल बी नो कलर ब्लीडिंग एंड नो श्रिंकेज, ये रुई की गारंटी रहती है। देखिए प्रिंट से लेकर फैब्रिक और उसके वॉश तक की गारंटी रहती है। अभी ये देखिएगा, ये प्लेन के अंदर भी ये है, इस तरह के स्टाइल्स हैं, ये प्लेन सॉलिड कलर्स इनको बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये सॉलिड कलर के कुछ स्टाइल्स मैंने टांगे हैं, ये देखिएगा इस तरह का बेसिक कलर्स भी हैं। और ये देखिए ये शर्ट स्टाइल है, ठीक, मल्टीपल प्रिंट स्टाइल। हाँ, देखिए शर्ट स्टाइल में भी देखिएगा इस तरह का, हाँ, मतलब ये सॉलिड कलर हो गया, ये प्रिंट में हो गया, ये शेर शक्कर स्टाइल में हो गया, ये कॉटन प्रिंटेड हो गया। ये देखिएगा ये इसकी जो स्लीव्स हैं ये अलग है, ये अप से आगे से ऊपर, अप फ्रंट से अप है, बैक से डाउन है, और वो के संग इसका है। और ये जो है खुद में देखिएगा सेल्फ में है, ये डॉबी चल रही है इसमें कॉटन के अंदर। आप देखेंगे कि चीज के जो फोल्ड होते हैं ना, फोल्ड देखेंगे बारीकी से देखे जाते हैं, तो उसमें भी पूरा एक अच्छा मार्जिन दे रखा है। ये देखिएगा इस पीस में और इस पीस का देखिएगा स्टाइलिंग है, डिफरेंट है, मतलब चेक्स हो गया, लाइनिंग हो गई, देखिएगा सॉलिड कलर है, मतलब सिर्फ देखिए स्टाइल है लेकिन सब फैब्रिक सोबेरिटी के साथ है। और सबसे अच्छी बात है वो चीजें हैं जो वॉश आफ्टर वॉश वहीं रहने वाली है। देखिए इसकी बात करते हैं, देखिए इसमें स्ट्राइप्स चल रही हैं, शायद वो पता नहीं इसमें आएगा कि नहीं वीडियो में, वीविंग होने वाली है। हाँ, देखिए अंदर स्ट्राइप्स है, उस पर प्रिंटिंग है और फिर ये स्टाइलिंग है। तो इस तरह से मतलब हर पीस जो है वेरी करता है, फैब्रिक चेंज है, उसका टेक्सचर कुछ इस तरह के, कुछ गैदर्स के साथ भी है और भी है। मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह का शिफली एम्ब्रॉयडरी जो कि हमारा फोटे है, शिफली एम्ब्रॉयडरी के अंदर इस तरह के शॉर्ट कुर्तीज है। जैसे देखिए सब ये आपके लखनवी स्टाइल जो एम्ब्रॉयडरी वर्क से बेसिकली मार्केट में आ जाता है। शिफली एम्ब्रॉयडरी की शॉर्ट में ये आपको मैंने ये शॉर्ट पे कुर्तीज दिखाई है। अभी हमने एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है ये वन पीस के अंदर, ड्रेस के अंदर, जो कुछ मैं आपको पैटर्न से वन पीस के अंदर दिखा रही हूँ। ये देखिएगा फैब्रिक देखेंगे तो फैब्रिक मल कॉटन टाइप की जो चीजें चलती है वो चीजें मिलने वाली है, फुल फ्लेरी। हाँ, तो ये देखिएगा, ये देखिए फुल फेरी आइटम होंगी, डिजाइन यूनिक यूनिक होने वाले हैं। ये सारे जो वन पीस जो अभी इंट्रोड्यूस किए हैं ये उसके डिजाइन आपको दिखा रही हूँ। मेरे पास और भी हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है और बहुत ज्यादा हम दिखा नहीं सकते, तो मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। वन पीस में एक ये वो था जो अभी हम दिखाई, दूसरा स्टाइल है पीस के अंदर है। तो इसके ये हम लोगों ने हमें बहुत इसका डिमांड है अलग अलग सिटीज में, अलग अलग स्टेट्स में आजकल चल रही है मार्केट के अंदर। हाँ, तो वो चीजें अप्रिशिएट करते हैं लोग। ये हमने लोगों के मतलब जो हमारे कस्टमर्स थे उनकी डिमांड्स पे हमने ये बनाया है। अब मैं बात करती हूँ जो बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो बेसिक स्ट्रक्चर की बात करती हूँ। इस तरह की हम बेसिक कुर्तीज बनाते हैं जो 41 inches लेंथ की होती है, कुछ इस तरह का हाफ स्लीव्स है, बैंड नेक है, ये देखिएगा। तो ये हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कुर्तीज़ बनाते हैं हम, अलग से पैंट्स बनाते हैं, आप इसके संग मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, अलग अलग फैब्रिक में होती है। देखिएगा ये, देखिएगा ये मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है ये, और हर प्रोडक्ट की देखेंगे गारंटी होने वाली है। हर प्रोडक्ट का अपना फ्लो अलग है, अपनी फील अलग है, अपना प्रिंट अलग है, फैब्रिक अलग है, उसके टेक्स्चर्स अलग है, डिज़ाइनिंग अलग है। तो और एक बात और मैं बताती हूँ, जो शॉर्ट कुर्तीज़ में था उसका थ्री साइज, हमारे पास साइज सेट्स होते हैं, हमारे पास कलर सेट्स नहीं, हमारे पास साइज सेट्स होते हैं। जो शॉर्ट कुर्तीज है उसमें चार का साइज सेट होता है, और जो लॉन्ग कुर्ती जैसे मैं ये दिखा रही हूँ उसमें तीन का साइज सेट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ये देखिएगा, ये जो मैंने राउंड नेक में दिखाया, फिर हमारा जो नेक्स्ट है वो बैंड नेक के साथ होता है। ये बैंड नेक के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये मैं पहले भी बता चुकी, ये रुई की प्रिंटिंग है, ये आपको इल्यूजन देता है कि एम्ब्रॉयडरी है। बिल्कुल। तो ये इस तरह के कुछ ये पैटर्न्स होते हैं एम्ब्रॉयडरी बेस के स्टाइल के अंदर प्रिंटिंग आने प्रिंटिंग है। ये देखिएगा इक्कत प्रिंटिंग के अंदर है जी। तो कुछ इस तरह के हैं, और फिर देखिएगा फिर नेक्स्ट स्टाइल जो है ये फ्रंट ओपन। मैं मेरा जो वीडियो में दिखाने का मतलब है कि किस तरह के स्टाइलिंग है। अभी देखिएगा हमने ये फ्रंट ओपन है, वीडियो में नहीं दिख रहा होगा लेकिन फ्रंट पूरा स्लिट आने वाला पूरा कट आएगा। हाँ जी। और जो नेक्स्ट ये हमारा जो फॉइल प्रिंटिंग है उसकी भी गारंटी होती है, कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल प्रिंट्स रहते हैं फॉइल प्रिंटिंग के अंदर। जो नेक्स्ट स्टाइल है हमारा है शिफली एम्ब्रॉयडरी इन द लॉन्ग कुर्तीज। तो रेयॉन पे शिफली होती है, कहीं पे डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ शिफलिंग होती है, कोई हैवी है, कोई लाइट है, कोई बॉर्डर है। ये देखिएगा ये शिफली एम्ब्रॉयडरी के और भी पैटर्न्स हैं, मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है, और जो जिसको भी और देखना है वो वीडियो कॉल हमें कर सकता है या विजिट कर सकता है। सबसे हमारे पास डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल और 4XL साइज के भी कुछ सेट्स होते हैं, तो उस तरह का भी होता है। कुछ ही देखिएगा कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल प्रिंटिंग के अंदर हम लोगों ने सूट्स बनाए हैं, ठीक है, तो उस तरह का भी कलेक्शन ये देखिएगा।
और ये सारी चीजें देखेंगे ऑन स्क्रीन नंबर पे, एक आप बार आप देखेंगे, बात करें, व्हाट्सअप करें, वीडियो कॉल आपको मिल जाएगी, जिससे कि पूरी वैरायटी जितनी आप देख रहे हैं ना, आप एक बार देखेंगे, समझेंगे, हर चीज को समझेंगे ना प्राइसेस के साथ, क्वालिटी के साथ, तो आप इजीली एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं कुछ आपको टू पीसेस दिखा दूँ, ठीक है? कुछ इस तरह के टू पीसेस होते हैं, ये देखिएगा, इन दोनों का फैब्रिक अलग है, ये प्रिंट्स में है, ये एम्ब्रॉयडरी में है, ये देखिएगा कुछ इस तरह का, ये प्रिंट्स के अंदर है जो कि अंगरखा स्टाइल में है, और इस तरह का प्रिंट जयपुरी प्रिंट जिसको बोलते हैं। अगर हम एस्किडीज की बात करते हैं तो एस्किडीज में देखिएगा इस तरह के कुछ नेक एम्ब्रॉयडरी के साथ, इस तरह के ये पर्टिकुलर पीस कॉटन में है और इसका ये दुपट्टा है, ये देखिएगा, ये हमारा क्रेप रियॉन के अंदर है, एस्केडी है, दुपट्टा के साथ है। आने वाले मतलब बहुत है आपको कलर का, आपको यू डोंट फील कि इसमें कलर चाहिए, क्योंकि सेम वैरायटी बहुत होगी आपके पास। हमारे पास यहाँ पे 2000 से अप्रोक्सीमेटली, अब तो इससे भी ज्यादा होंगे जी जी। तो ये देखिएगा इस तरह के, ये फॉइलिंग के साथ है, ये जो अभी कॉट सेट्स चल रहे हैं, तो इस तरह का ये कॉट सेट के साथ है, ये 230 के साथ है। कहने को ये जो आपको दिखता है इस पे काम है, देखिए साहिल जी आपको ये देखिएगा नहीं कि ये वाइट है और बहुत सिंपल लगेगा, बट आप इसकी इंट्रिकेसी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह के इंट्रिकेट कुछ अपने फैब्रिक, जैसे ये धोती है बट इसका फैब्रिक आप देखिए, तो इस तरह का ये कुछ है, ये देखिएगा, ये शरारा गरारा सेट है, ये देखिएगा इस तरह के साथ भी आपको इसमें सेट्स मिल जाएंगे, इस तरह के इसके सेट है, ये चीजें छह वर्क के साथ ही आने वाली है। और ये देखिएगा ये इस तरह के नाकलीज भी है, ये देखिएगा ये फैब्रिक देखिएगा, बहुत मलमल जैसा पतला फैब्रिक है, और इस पे ये वीव चल रहा है, मतलब ये अपने आप में सेल्फ डॉबी है। ये देखिएगा ये प्रिंट के अंदर हम बात करते हैं, तो ये प्रिंट के अंदर अनारकली है, हम शिफ्ली एम्ब्रॉयडरी की बात करते हैं तो शिफ्ली एम्ब्रॉयडरी के अंदर अनारकली है। मैंने आपको ये शॉर्टकट में बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि एक पता चल जाएगा कि भाई किस तरह की चीज़ें हैं, और बहुत ज़्यादा है इससे का जो स्टॉक है वो अवेलेबल है, तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है। अगर हम बात करते हैं लोअर्स की, तो हमारे पास लोअर्स भी होते हैं, थ्री कैटेगरीज ऑफ लोअर्स होते हैं, हमारे पास कॉटन में होता है लोअर्स, हमारे पास रेयन में होते हैं हमारे पास लोअर्स, और शिफ्ली एम्ब्रॉयडरी में लोअर्स होते हैं जी। तो ये हमारा लिनन के अंदर हमारा ये लोअर आने वाला है, ये लोअर है, ये लिनन के हैं, ये कलर्स लगे हुए हैं, स्ट्रेट पैंट्स होती हैं हमारी, स्ट्रेट पैंट्स है, ये देखिए टू पॉकेट्स होती हैं, और कुछ इस तरह से पीछे से इस पे ये होता है, इलास्टिक होता है। दूसरा जो स्टाइल है ये कलर चॉइस देखेंगे, कलर चॉइस ये देखिएगा, ये प्लाजो के साथ होता है, कुछ ये स्ट्रेट स्ट्राइप्स के साथ होता है। जब मैंने रेयन की बात करी तो इस तरह का रेयन होता है, बेटा धोती देना, अब ये देखिए ये प्लाजो है, धोती देना, तो देखिएगा ये कुछ धोती के स्टाइल्स हैं जो कि इस तरह से हमने धोतीज भी बनाई हैं, आप अपने उसको आप डिफरेंट लुक दे सकते हैं। तो यानी कि लोवर्स के अंदर भी पूरी वेरिएशन है, पैंट हो गई, प्लाजो हो गए, धोती हो गई, हाँ तो देखिए डिवाइडर्स हो गए, ये देखिएगा इस तरह के, मतलब ये सब भी है। यहाँ पे हम आए तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं वहाँ पे नहीं दिखा पाई थी, मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम कम होता है और वीडियो में कुछ नई इनोवेशन चलती कुछ कट स्लीव्स के देखिएगा, इस तरह के कुछ कट स्लीव्स के पैटर्न्स होते हैं, ये देखिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये अनारकलीज के देखिएगा, इतने सारे स्टाइल्स हैं, ये सारे ड्रेसेस के स्टाइल्स हैं, ये अनारकली है, ये स्ट्राइप्स के अंदर है, ये लिनन का मैंने इस बार नहीं दिखाया, तो देखिएगा ये लिनन के अंदर, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको नहीं दिखाया, अब यहाँ पे मतलब इस यानी कि नया नया कुछ ना कुछ इनोवेशन और नई नई चीजें आ रही है, इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन है, और ये सारी चीजें आप परचेज कर सकते हैं रैंडमली अपनी पसंद के कलर चॉइस करके, तो बहुत कुछ है। आप वहाँ पे वीडियो कॉल कीजिए या फिर आप विजिट कीजिए, तो और जो भी इन्फॉर्म मैंने अपना मैक्सिमम इस वीडियो में देने की कोशिश करी, जो भी रह जाता है तो आप गिवन नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। और हम लोग दिल्ली में हैं, ओखला में हैं, और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पास में है, क्राउन प्लाजा 5 स्ट्रीट के बैक साइड पे हैं। बिल्कुल देखेंगे, यानी कि सारा सपोर्ट मिलने वाला है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऑन स्क्रीन नंबर पे एक बार आप कॉल करें, बात करें, यहाँ से एश्योरेंस मिलती है कि आपको आपका अगर कुछ भी अगर आपका सेल आउट नहीं हो पा रहा तो वो रिटर्न करके कैश बैक हो जाएगा, आपका कैश आ जाएगा आपके वापस हाथ में। हाँ जी, आपका मतलब हर तरह का सपोर्ट हमारे हम आपको देंगे, क्योंकि द रीज़न बीइंग इज दैट जब आपका बिजनेस चलता है तभी हमारी ग्रोथ होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जितना भी लर्निंग है हमारी तो वो हम आपको सारे सारे शेयर करते हैं। बिल्कुल, जब तक कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं पहुंचता वो हमारी जिम्मेदारी होती है, ट्रांसपोर्ट से रिलेशन से हमारी जिम्मेदारी है, इट्स ऑल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक ही आपको आपका प्रोडक्ट नहीं आपके पास पहुँचता। एक और चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे कि जो ऑनलाइन वीडियो कॉल से परचेज कर रहे हैं, तो
कहाँ कहाँ डिलीवरी है आपकी प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की डिलीवरी हमारी अभी ऑल ओवर द पूरे ग्लोबली वी आर सेंडिंग अवर प्रोडक्ट्स। अभी आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के संग जो हमारी समझ बढ़ती है उस हिसाब से हमारा 30 स्टेट्स में जा रहा है, ऑल ओवर द इंडिया जा रहा है, प्लस 12 इंटरनेशनल कंट्रीज में भी हमारा रुई का प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी भी गांव कस्बे में अगर आप बैठे हुए हैं, रिमोटस 2-3 टियर सिटी विद ऑब्जेक्शन, ठीक है, हम हर तरह से अपना प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल करा देंगे जैसा भी आपको होगा। और थैंक्स टू ऑल योर व्यूअर्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच।